लेकर जब राइट ब्रदर्स ने 1903 में दुनिया के सबसे पहले सक्सेसफुल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन किया तो उन्हें ये नहीं पता था कि 100 साल बाद कि उनका ये इन्वेंशन दुनिया का सबसे लोकप्रिय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। आज की डेट में हर साल करीबन 36.8 मिलियन से भी ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स दुनिया भर में उड़ती हैं। अगर हम इसमें नॉन कमर्शियल फ्लाइट्स को भी गिन लें तो ये संख्या 36 मिलियन से 50 मिलियन तक पहुंच जाती है। आज शायद ही कोई ऐसा देश, राज्य या शहर है इस दुनिया में जो कि किसी एयर रूट से कनेक्टेड नहीं है। फ्लाइट रूट भी हर तरह की होती है, कुछ बहुत ही ज्यादा लंबी जैसे कि सिंगापुर से न्यूयॉर्क तक की 19 घंटे लंबी फ्लाइट, या फिर ऑकलैंड से दोहा तक की 17 घंटे लंबी फ्लाइट, या फिर जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा एसिंडा होटल के मालिकों द्वारा स्पॉन्सर्ड 64 डेज लंबी फ्लाइट। लेकिन अगर एक फ्लाइट 19 घंटे लंबी हो सकती है तो वो 19 मिनट या 19 सेकंड छोटी भी तो हो सकती है। हमारी धरती पर सबसे लंबी फ्लाइट रही है 64 दिनों की, तो सवाल ये है कि दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट आखिर कितनी लंबी या कितनी छोटी है। आमतौर पर कोई भी फ्लाइट कम से कम आधे पौने घंटे लंबी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे छोटी हुई तो चांसेस हैं कि गाड़ी या किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मगर कुछ सिचुएशंस में जैसे कि दो आइलैंड के बीच या किसी बड़े शहर से किसी गांव तक एक फ्लाइट का होना नेसेसरी हो जाता है, भले ही उन दो शहरों के बीच बस कुछ ही माइल्स का फासला हो। मिसाल के तौर पे सोनोमा से सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट को ही ले लीजिए। ये फ्लाइट यूएस की सबसे छोटी कमर्शियल फ्लाइट है जिसे 30 मिनट के लिए शेड्यूल किया जाता है और इसका एक्चुअल फ्लाइट टाइम केवल 16 मिनट है। अब जरा सोचिए, कोई भी इंसान सोनोमा से सैन फ्रांसिस्को तक की फ्लाइट क्यों लेना चाहेगा, जबकि एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी से जाने में सिर्फ एक घंटा लगेगा, वो भी तब जब इस फ्लाइट का प्राइस $354 है। लेकिन ये फ्लाइट तब बहुत कन्वीनियंट हो जाती है जब किसी पैसेंजर न्यूयॉर्क से सोमोना आना हो। अब क्योंकि सोमोना छोटा शहर है तो शायद वहां से न्यूयॉर्क तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट ना हो, मगर क्योंकि सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, उन्हीं में से एक फ्लाइट एक्सटेंड होके सैन फ्रांसिस्को से सोमोना पैसेंजर्स को पहुंचा सकती है। इसी तरह जब कई आइलैंड पास पास होते हैं तो किन्हीं दो आइलैंड के बीच की फ्लाइट इतनी छोटी होती है कि ऐसी करीबन 500-600 फ्लाइट्स का टाइम मिला के भी सिंगापुर से न्यूयॉर्क तक की फ्लाइट ड्यूरेशन ना मैच कर पाए। लेकिन इन फ्लाइट्स का होना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का कभी कोई भरोसा नहीं होता, कब भड़क जाए और बोट या शिप जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वहीं फुस हो जाए। जापान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, स्कॉटलैंड जैसे आर्किपेलेगो नेशंस में दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट ड्यूरेशन की फ्लाइट्स पाई जाती हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से सबसे छोटी फ्लाइट कहां उड़ती है और कितनी देर के लिए उड़ती है और क्यों उड़ती है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलिए साथ चलते हैं स्कॉटलैंड की सैर करने। स्कॉटलैंड असल में एक पक्की जमीन पे स्थित नहीं बल्कि 790 आइलैंड में बिखरा हुआ है। ऑकने आइलैंड स्कॉटलैंड से कुछ 10 मील यानी 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आर्किपेलागो करीबन 70 आइलैंड से बना है जिनमें सिर्फ 26 में इंसानी आबादी मौजूद है। यहां का मौसम साल भर सौम्य और सुहाना रहता है और क्योंकि यहां की मिट्टी काफी ज्यादा फर्टाइल है इस कारण ऑकने आइलैंड्स की 70% जमीन खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होती है। अब जरा अपने दिमाग में वर्ल्ड मैप को खोलिए और उसमें स्कॉटलैंड को ढूंढिए। बहुत छोटा देश है ना। अब जरा सोचिए कि अगर इस छोटे से देश को भी आइलैंड में बांट दिया जाए, वो भी दो तीन नहीं बल्कि 790 आइलैंड्स, तो आखिर ये आइलैंड कितने छोटे होंगे। शायद यही कारण है कि आप नोटिस करेंगे कि किसी छोटे मोटे वर्ल्ड मैप में ऑकने आइलैंड या अन्य किसी स्कॉटिश आइलैंड के नाम का जिक्र भी नहीं मिलेगा। ऑकने आइलैंड इतने छोटे हैं कि ऑकने मेनलैंड जो कि इस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा आइलैंड है को छोड़ के किसी भी आइलैंड पे आपको 1000 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। ऑकने मेनलैंड की आबादी करीबन 17,000 है और उसके बाद सबसे ज्यादा आबादी साउथ रोनाल्ड से की है जो कि लगभग 900 है और जितने छोटे ये आइलैंड खुद हैं उससे भी छोटी है इन आइलैंड के बीच की दूरियां। किन्हीं भी दो आइलैंड के बीच की दूरी 30 मील यानी 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक एरोप्लेन को कितना कम समय लगेगा। आमतौर पे कमर्शियल एयरप्लेन 700 से 900 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ते हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक आम एयरप्लेन को 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम प्लेन टेक ऑफ, लैंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम को भी अकाउंट में लेते हैं, क्या कभी आप एक 10 मिनट लंबी फ्लाइट में बैठे? जरा खुद ही सोचिए, जिस फ्लाइट के लिए आपको घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है उस फ्लाइट की ड्यूरेशन बस 10 मिनट हो तो आपको कैसा लगेगा। ऑकने आइलैंड का कैपिटल किर्कवॉल इस पूरे आर्किपेलागो में एक ऐसा शहर है जो कि आपको एक नॉर्मल शहर जैसा लगेगा क्योंकि इसकी आबादी और सरफेस एरिया भी थोड़ा ज्यादा है व फैसिलिटीज भी ज्यादा है और यही वो एक शहर है जो कि ब्रिटेन, एडिनबर्ग जैसे इम्पोर्टेंट शहरों से कनेक्टेड है। तो आसपास के आइलैंड से अगर किसी को भी बड़े शहर जाना होता है तो किर्कवॉल होके जाता है। किर्कवॉल से कुछ 35 किलोमीटर दूर वेस्ट्रे नाम का एक आइलैंड है जो कि ऑकने आइलैंड्स का छठा सबसे बड़ा आइलैंड है। इन दोनों के बीच की फ्लाइट ड्यूरेशन महज 15 मिनट की है लेकिन फ्लाइट का होना जरूरी है। वेस्ट्रे से 3 किलोमीटर दूर पापा वेस्ट्रे नाम का एक और छोटा सा आइलैंड है जो कि इतना छोटा है कि वहां कुल मिला के केवल 90 लोग ही रहते हैं और इस छोटे से आइलैंड के लिए दुर्भाग्य
दुर्भाग्य की बात यह है कि पापा वेस्ट्रे और किर्कवॉल के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो आखिर पापा वेस्ट्रे के लोग किर्कवॉल कैसे जाते होंगे? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पापा वेस्ट्रे के लोग पहले वेस्ट्रे जाते हैं और फिर वहाँ से किर्कवॉल जाते हैं। और वैसे वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच फेरीज चलती ही है, लेकिन अगर फेरी का इस्तेमाल पॉसिबल ना हुआ तो देवी और सज्जनों पापा वेस्ट्रे और वेस्ट्रे फ्लाइट से भी कनेक्टेड है। और क्या आप जानते हैं कि इस फ्लाइट का फ्लाइंग टाइम क्या है? बस 53 सेकंड, एक मिनट भी नहीं दोस्तों, 53 सेकंड, 53 सेकंड्स। और अगर विंड और वेदर कंडीशंस अच्छे रहे तो ये टाइम और कम होके 47 सेकंड्स तक भी हो सकता है। ये फ्लाइट इतनी छोटी है कि इसका एग्जिस्ट करना भी मजाक लगता है, लेकिन ये फ्लाइट सबसे सेफ और सबसे फास्ट तरीका है पापा वेस्ट्रे से किर्कवॉल पहुंचने का, क्योंकि ये फ्लाइट एक मिनट से भी कम चलती है। इसीलिए आमतौर पर वेस्ट्रे से किर्कवॉल जाने वाली फ्लाइट से कम्बाइन कर दिया जाता है, ताकि लोगों को ऐसा भी ना लगे कि उनके पैसे वेस्ट हुए और वे जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक, जो कि 99.99% किर्कवॉल ही होती है, पहुंच सकें। आज की डेट में दुनिया की सबसे छोटी फ्लाइट, चाहे कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल, वेस्ट्रे से पापा वेस्ट्रे के बीच की ही है। इन दो आइलैंड के बीच की दूरी इतनी कम है कि इंसान चल के भी पूरी कर ले। अगर आज की डेट में एक 53 सेकंड लंबी फ्लाइट एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ स्कॉटलैंड की ज्योग्राफी के कारण। क्या आप और कोई दो ऐसी जगहों के बारे में सोच सकते हैं जिनके बीच दूरी बहुत कम हो लेकिन फ्लाइट का होना जरूरी हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, इस फैक्ट को जानने के बाद आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात जरूर समझ आ गई थी कि दुनिया में कोई भी चीज कभी यूजलेस नहीं होती है, क्योंकि अगर होती तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर चाहे वो 47 सेकंड लंबी